This is an Indie Films Channel presentation. हेलो, काम हो गया है। लड़की को उठाकर ले आया हूँ और मैं उसी के घर से बोल रहा हूँ। बस आप ही का इंतज़ार हो रहा है, आ जाइए तो बाकी का काम खत्म कर दें। उसके खून का एक एक कतरा बहते हुए देखना चाहता हूँ। रहने तो, घुटन हो रही हूँ। खैर, अब सांसें रिपेयर करने से क्या फायदा? वैसे भी अब तुम चंद की मैं कौन है जो मुझे मारना चाहता है? प्रोफेशनल एथिक्स, नाम बता नहीं सकता मैं। खन्ना, आवाज से तो वही लग रहा था। इरशाद, इरशाद रफीक से रकीब अच्छा होता है, जो जलकर भी नाम लेता है। गुल से खार अच्छा होता है, जो दामन थाम लेता है। कुछ इंसानों में एक चीज बड़ी अच्छी, वो अपने चाहने वालों से ज्यादा अपने दुश्मनों से वाकिफ रहते हैं। अच्छा है। जिस ऑर्फनेज में मैं पली बड़ी,
कॉलेज के साथ साथ मैं वहीं काम करती थी, बच्चों को पढ़ाना वगैरह। 8 साल की थी रिनी, एक तो मेरी छोटी बहन की तरह, और उसे खन्ना अडॉप्ट करना चाहता था। रिनी बहुत खुश थी, उसे लगा कि उसे एक नया परिवार मिल जाएगा, एक नया घर मिल जाएगा। खन्ना हर हफ्ते आता, उसे लेके जाता और शाम को वापस छोड़ देता था। एक दिन रिनी वापस ऑर्फनेज से नहीं लौटी और उसी वक्त में खन्ना के बंगले में गई थी। सिक्योरिटी ने कहा कि साहब घर पे नहीं है, मुझे कुछ अजीब लगा। उसी वक्त रिनी के खिड़की से चिल्लाने की आवाज आई, खन्ना उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। मार दिया उसने रिनी को, चली गई मेरी रिनी हमेशा के लिए। अब भी मानना चाहते हो मुझे, ये जान के कि मेरी कोई गलती नहीं है। खन्ना के काले कारनामे में कहीं सामने नहीं आ जाए ना, इसीलिए वो मुझे मारना चाहता है। मैंने आज तक कभी भी किसी को भी मारने के पहले उसकी इतनी बातें नहीं सुनी। खन्ना आता ही होगा। ये क्या? एक ऐसी चीज जो तुम्हें धोखा दे सकती है। तस्वीर मिली? उसका मुंह आजकल थोड़ा ज्यादा खुल रहा है, मुझे ब्लैकमेल करने पर उतर आया है। बहुत शातिर कॉन्ट्रैक्ट किलर है, ध्यान रहे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मुझसे कभी कोई गलती नहीं होती। अरे तुम पर भरोसा है तभी ये काम तुम्हें सौंप रहा हूं। बैलेंस पेमेंट उसी रात को लेके आना, आई प्रेफर कैश ऑन डिलीवरी। मेरे आने तक उसे मारना नहीं, उसके खून का एक एक कतरा बहते हुए देखना चाहता हूँ। कार्ड तुम्हारे हाथ में, मैंने कहा था ना ये चीज तुम्हें धोखा दे सकती है। कहानी में ट्विस्ट, हम दो हैं। और तुम्हारी कहानी थोड़ी क्लीशे।